बात है, लेकिन दोस्ती का रिश्ता ऐसा होता है कि वो सबसे अलग होता है। सुनिएगा क्या कहना है। दोस्ती के रिश्ते को, दोस्ती के रिश्ते को टूटने नहीं देंगे। दोस्ती के रिश्ते को टूटने नहीं देंगे। दुश्मनों को, दुश्मनों को, दुश्मनों को ये दौलत नहीं। कौन दौलत? दोस्ती के रिश्ते को टूटने नहीं देंगे। दुश्मनों को ये दौलत लूटने नहीं देंगे। बदल दिया, किरदार भी खुदा ने हमारा बदल दिया, हमको ही फिर बदलना है दुनिया को। ऐ वसीम, जब हम उठे तो हमने जमाना बदल दिया। तो दुश्मनों को ये दौलत लूटने नहीं। कभी हर जाई नहीं हो सकता, तेरा गद्दार मेरा भाई नहीं हो सकता। ऐ वतन, वो कभी हर जाई नहीं हो सकता, तेरा गद्दार मेरा भाई नहीं हो सकता। जिसका रिश्ता है मदीने के वफादारों से, मेरा दावा है वो बलवाई नहीं हो सकता। मेरा दावा वो बलवाई नहीं हो सकता। दोस्ती के माथे पे दाग क्यों लगाते हैं? दिल अगर नहीं मिलता हाथ क्यों मिलाते हैं? दोस्ती के माथे पर दाग क्यों लगाते हैं? दिल अगर नहीं मिलता हाथ क्यों मिलाते हैं? बागबा मुकद्दर को कोसना नहीं अच्छा, फल उसे नहीं मिलते पेड़ जो लगाते हैं। लगाते हैं मजहबों से बढ़कर है दिल गरीब इंसान का। आप ऐसे मंदिर को ठेस क्यों लगाते हैं? इसलिए कहना है, बड़ा प्यारा शेर। और विनोद भाई, ये शेर मैं आपको पेश कर रही हूँ। हाँ, चश्मा लगाए हुए हैं। हम किसी मुसाफिर को रूठने नहीं देंगे।
आईना 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 मोहब्बत का, हम किसी मुसाफिर को रूठने नहीं देंगे। आईना मोहब्बत का टूटने नहीं। बैठे हुए हैं, मैं सभी लोगों को यह शेर पेश कर रही हूं। हमारे असलम भाई जाली वाला, आहा कहां है असलम भाई? असलम भाई शेर सुनिएगा, बड़ा प्यारा शेर। भाई असलम तबले वाला तो है। हाँ, इधर असलम तबले वाला, उधर जाली वाला, क्या बात है। हाँ हाँ, जाली वाला तबले वाला। सुनिएगा असलम जाली वाला, आए खाली वाला, धानी वाला। अच्छा अच्छा, जाने दीजिए, गलती हो गई, माफ कीजिएगा। क्या चाहे जितने भी हमारे इधर बैठे हैं, सभी लोगों से तवज्जो चाहूंगी कि चाहे, हाँ ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए देखना फसादों में, चाहे कुछ, चाहे कुछ भी हो जाए देखना फसादों में, देखना फसादों में। हमारे महेंद्र भाई ठेकेदार, उनकी जानिब से 500 रुपए मिले हैं, और भी कुछ मिलेंगे। हाँ हाँ, क्या चाहे कुछ भी हो जाए महेंद्र भाई, चाहे कुछ भी हो जाए देखना फसादों में, चाहे कुछ भी हो जाए देखना फसादों में, चाहे कुछ भी हो जाए देखना फसादों में। चूड़ियां चूड़ियां चूड़ियां, चाहे कुछ भी हो जाए देखना फसादों में, चूड़ियां सुहागन की, चूड़ियां सुहागन की टूटने नहीं देंगे। इन्होंने पहनाया, 100 रुपया भी दिया, लेकिन कहना है कि फूल नाजुक है मगर वक्त पे शोला बनकर, फूल नाजुक है मगर वक्त पे शोला बनकर, पल में दस्तूर मोहब्बत का बदल डालेंगे। तुमको मालूम है जिन बहारों से मुझे खतरा हो, ऐसे भौरों को हम चुटकी से मसल डालेंगे। ऐसे भारों को
हम चुटकी से मसल डालेंगे। मैं वादा करके चला था असलम भाई, शेर सुनिएगा, कहना है कि मैं वादा करके चला था कि तुझको घर दूंगा, ये थकन सिलवटे ये तोहफे सफर दूंगा, दुआ ये मांग के अब के बरस फसाद न हो तो तेरी कलाई को मैं चूड़ियों से भर दूंगा। दुआ दुआ ये मांग कि अब के बरस फसाद न हो, तेरी कलाई को मैं चूड़ियों से भर दूंगा। इसलिए कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए देखना फसादों में, 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 चूड़ियां सुहा टूटने नहीं देंगे, चूड़ियां सुहागन की टूटने नहीं देंगे, चूड़ियां सुहागन की टूटने नहीं देंगे। विनोद भाई, हमें मालूम है आप चश्मा क्यों लगाते हैं, किया है काम कुछ ऐसा इसलिए नजरें चुराते हैं। जंगल में कोई रहता है कोई पहाड़ में, वाह वाह वाह, विनोद भाई शिकार करते हैं चश्मे की आड़ में। क्या बात है क्या बात है, विनोद भाई शिकार करते हैं चश्मे की आड़ में। दुनिया चली जाए चाहे चूहे भार में, विनोद साहब लगे हुए हैं अपनी जुगाड़ में। मत कहिए ऐसा मत कहिए, विनोद भाई बहुत अच्छे आदमी हैं। फिरोज भाई क्या बात है, गाते गाते थोड़ा सा कम सुनाई देने लगा हमको फिरोज भाई। और असलम घानी वाला कलाम भाई शेख, इस शेर पे मैं कलाम भाई जी से तवज्जो चाहूंगी, सुनिएगा बड़ा प्यारा शेर। हो अल्लाह की कसम, हमारे कलाम भाई ये शेर बड़ा प्यारा शेर है। जितने भी हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमको गर्व है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं। शेर सुनिएगा यार, यहां हिंदू मुसलमान सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे हिंदुस्तान में कि हम लोगों को आपस में लड़ा देते हैं। हम कितने नादान हैं कि लड़ भी जाते हैं। बड़ा प्यारा शेर है, सुनिएगा मेरा क्या कहना है, सुनिएगा। वो खुदा की मस्जिद हो, जितने भी हिंदू और मुसलमान हजरात हैं, बड़ा प्यारा शेर सुना रही हूँ। वो खुदा की मस्जिद हो चाहे राम का मंदिर, वो खुदा की मस्जिद हो चाहे राम का मंदिर, वो खुदा की मस्जिद हो चाहे राम का मंदिर, वो खुदा की मस्जिद हो चाहे राम का मंदिर, वो खुदा की मस्जिद हो चाहे राम का मंदिर, अब किसी इमारत को, अब किसी इमारत को। आप लोग हिंदुस्तानी हैं ना, तो बोलिए हमारे साथ, अब किसी इमारत को टूटने नहीं देंगे।
क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे, कभी मंदिर बना बैठे, कभी मस्जिद बना बैठे, बना बैठे। हमसे तो अच्छी एक परिंदे की जात है, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। हमसे हमसे क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे, कभी मंदिर बना बैठे, कभी मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छी एक परिंदे की जात है, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। लेकिन कहना है कि किसी भी कौम से हमदर्दियां निभाने को गलत बयान गलत बोलियां नहीं चलती, तुम्हारे मुल्क से अच्छा हमारा भारत है, नमाजियों पे यहाँ गोलियां नहीं चलती। लेकिन कहना है, जौहर कानपुरी फरमाते हैं कि वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है, जो शाखे नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है, बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, क्योंकि हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। अजी दुआ कीजिए महेंद्र भैया, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। इसलिए कहना है, वो खुदा की मस्जिद हो चाहे राम का मंदिर, अब किसी इमारत को, अब किसी इमारत को टूटने नहीं देंगे, अब किसी इमारत को टूटने नहीं देंगे, अब किसी इमारत को टूटने नहीं देंगे। एक शेर याद आ गया, कहना है कि शामिल तो खून मेरा भी इस गुलसिता में है, किरदार कुछ न कुछ तो मेरी दास्ता में है, कितनों की लाश बह के गई है विदेश में, मेरी तो कब्र भी मेरे हिंदुस्तान में है, मेरी तो कब्र भी मेरे हिंदुस्तान में है। कहना है कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में चाहत से भरा पैगाम लिखा था, जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। मुरझाए कोई फूल, मुरझाए कोई फूल, मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो इंसान रो पड़े, ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों के हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। इसलिए अब किसी इमारत को टूटने नहीं देंगे, पसंद है, यकीन करूंगी कि शेर पसंद आएगा। और ये आखिरी शेर है, हो महेंद्र साहब,
नहीं जानती हूँ आप लोगों का, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ और यहाँ का माहौल भी नहीं जानती हूँ, लेकिन बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। जब ऑडियंस अच्छा सुनती है तो कलाकार का, आर्टिस्ट का और भी हौसला होता है, ख्वाहिश होती है कि अच्छा से अच्छा सुनाएं। बड़ा प्यारा शेर सुना रही हूँ और आखिरी शेर, अपनी जान दे देंगे, अपनी जान दे देंगे तेरे प्यार में, लेकिन 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 हाथ से तेरा दामन, अपनी जान दे देंगे तेरे प्यार में, लेकिन हाथ से तेरा दामन छूटने नहीं अच्छा।